नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन की खास कवरेज। मैं अभी मौजूद हूं करगहर प्रखंड के सीवन पंचायत के शिवपुर गांव में। ये वार्ड नंबर 11 है। मैं एक सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। जो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना आया हुआ था, और इस योजना में एक और योजना थी जो नल जल योजना थी। ये योजना सरकार की सबसे मानी जानी भ्रष्ट योजना थी। अभी तक इसकी धरातल पर इस योजना की स्थिति बहुत ही काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं कि हर पंचायत हर प्रखंड में इस योजना में भ्रष्टाचारी हुआ है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक इस योजना में संलिप्त हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। मैं अभी मौजूद हूँ सीवन पंचायत के शिवपुर गांव के 11 नंबर वार्ड में। यह योजना लगभग 2.5 साल पहले, नल जल योजना 2.5 साल पहले, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाया जाए, 2.5 साल पहले इस टंकी का निर्माण किया गया था, और लगभग 12 से 15 दिन तक गाँव में केवल पानी दिया गया था, और बाकी उसी समय से इस पूरे टंकी का सिस्टम ही खराब है। यहाँ तक कि टोटल जिसका पानी है जो अभी तक गाँव में नहीं पहुंच पाता है, और 2.5 साल आते आते इसकी स्थिति खराब हो गई है, और यहां तक लोगों का कहना है कि एक बूंद भी पानी अभी तक घरों में नहीं जा रहा है। ये 2.5 साल से लगभग 2 सालों से लगभग खराब चल रहा है। और आप दे एक सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे मैं आपको वाकिफ कराना चाह रहा हूँ। जो यहाँ के मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया मीरा देवी, पूर्व में भी ये मुखिया रह चुकी हैं, उन्हीं के कार्यकाल में ये बना हुआ था, और लगभग पैसे की निकासी भी हो चुकी है। अभी तक मुखिया प्रतिनिधि से जब मैंने फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटी कमी के चलते पानी गांव में सप्लाई नहीं हो रहा है। आखिर कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ जब मैं नल जल योजना पर मैं खबर चलाता हूँ तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार की, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत जो ये नल जल योजना है जो मुखिया के तरफ से आता है, 15 से 16, 17, 18 लाख के बीच, 12 से 13 लाख के बीच में आता है, लेकिन यही काम जो PhD कराती है तो यही काम लगभग 25 से 27 और 30 लाख के बीच में कराया जाता है। जब उसकी काम PhD का काम जब सक्सेस नहीं हो सकता है तो ये मुखिया प्रतिनिधि का काम, जो नल जल जो मुखिया के द्वारा, जो वार्ड के द्वारा काम कराया जा रहा है, वो किस तरह से सक्सेस होगा। मैं गाँव वालों से बात करूँगा कि क्यों नहीं पानी अभी तक मिल पा रहा है, और क्या कहना चाहते हैं गांव वाले क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। और भ्रष्टाचारी इतनी बड़ी हुई है कि आप देख सकते हैं कि केवल कागजों में चालू कराया गया है इस योजना को। मैं एक बार गांव वालों से बात करूंगा और सच्चाई को दिखाऊंगा। गांव वालों का कहना है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आने वाला है, और पानी का किल्लतें, लेयर कम होने की वजह से पानी की किल्लतें का सामना कर रहे हैं लोग, पानी का किल्लतों का सामना लोग कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, लेयर जा चुका है और अभी भी नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको। आपकी विद्यालय यहाँ पे शिवपुर में विद्यालय है, और आप विद्यालय परिसर में हैं, और आप ही के परिसर में बगल में नल जल योजना का टंकी लगाया गया है। लगभग कितने दिनों से पानी नहीं मिलता है आपके विद्यालय में? विद्यालय में तो पानी करीब 1.5-2 साल से सप्लाई नहीं है। टंकी के लिए कनेक्शन दिया गया था नल के लिए जी, लेकिन ये तो ओपन खुला हुआ है, बाउंड्री है नहीं सर। तो गांव के कुछ अराजक तत्व जो कि छुट्टी के बाद यहां जमा होते हैं, गलत सल पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, कभी कभी तो देखने में उल्टा सीधा सामान भी इधर आने के बाद हम लोगों को मिलता है। बात ये होती है कि उन्हीं में से कोई आदमी गांव का चुड़ुका टाइप का होगा, वो कबार करके कनेक्शन डिस्टर्ब कर दिया, तभी से हम लोगों के यहाँ कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। मतलब इस ये टंकी में पानी मतलब ऊपर जाता भी नहीं है ना, मोटर वोटर सब जल गया है? मोटर जला है कि क्या, ये विभाग अलग है सर, लेकिन अगर पानी ऊपर जाता तो गांव में तो सप्लाई ज़रूर होती है। अब हम इंटरनली मतलब आपके बगल, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके बगल में ये टंकी लगाया गया है, मतलब आपके स्कूल में पानी नहीं मिल रहा है तो गांव में तो ऐसे ही जाता नहीं होगा। क्या नाम पड़ेगा मास्टर साहब? मेरा नाम मदन मोहन उपाध्याय पड़ेगा। कौन सा स्कूल है ये? ये प्राथमिक विद्यालय शिवपुर है, ठीक है, पंचायत सीवन के अंतर्गत। पानी आपको मिलता है नल जल योजना का? पानी का स्थिति इस समय बहुत ख़राब है, क्योंकि नल जल का टंकी लग चुका है, पानी किसी की सप्लाई नहीं होता है। लगभग कितने दिनों से टंकी लगा? लगभग टंकी लगा हो गया 2 साल, 2.5 साल हो गया।
मुखिया जी तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से पानी नहीं जा रहा है। मुखिया जी कभी आते हैं पंचायत घूमने, तो फिर क्या है जीता दिए आप लोग उनको? जीता दिए क्या, पूरा जनता को सपोर्ट से। अब मुखिया जी क्या किए उस समय इलेक्शन के बाद, हमको पता भी नहीं चला कि इलेक्शन में क्या किए मुखिया जी, पैसा बांटे कि क्या करे। इस समय देखिए रहे आप लोग कितना पैसा का बांटा हो रहा है, मतलब पैसे के बल पर चुनाव जीते हैं। और क्या, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम पड़ेगा धनपत। घर कहाँ है आपका? घर कौन सा या आप लोग थोड़ा सा आक्रोश में क्यों है? क्यों पानी उनी नहीं मिल रहा है आप लोगों को? पानी उनी नहीं मिला है, 10-15 रोज मिला, इसके बाद बंद तो बंद है आज तक। अभी आज तक बंद ही है पानी मिल ही नहीं रहा है। मुखिया जी के पास तो हमने फोन किया तो उन्हें बोल रहे हैं हमसे कि लगभग 10-12 दिन से केवल पानी नहीं मिल रहा है, कुछ डिस्टर्बिंग हो गया। जगह जगह 10-15 दिन खाली मिला था, इसके बाद बंद हो गया। जगह जगह पाइप फट गया है, कट चुका है, मतलब बिल्कुल फ्लॉप है, नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमा शंकर सिंह नाम पड़ेगा। घर कहाँ है आपका? यही पर है, सिवपुर। कौन सा पंचायत है आपका? सिवन पंचायत में। ठीक 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 है, सिवन पंचायत में घर है जी। चलिए ठीक है। ऐसे थे आपको नहीं नल जल योजना वाला ना। पानी नहीं मिलता है? कितने दिनों से पानी बंद है आपके यहाँ? दो ढाई बरस। देखावटी में लगल नल जल योजना। मुखिया जी पैसा निकाल के सब खा गया, पानी मैंने ना सब खा गया एकदम। पानी नहीं क्या होता? क्या नाम? चार दिन खाली। हाँ चार दिन। हाँ क्या नाम पड़ी बताइए? गिरिजा सिंह। घर कहाँ पड़ेगा? शिवपुर। शिवपुर।